पिता परमेश्वर हमें कहता है यीशु में, ना तुम्हें धोखा दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इनका मतलब जो खुदा है कभी बदलता ही नहीं है। अब वो हम तो बदल जाते, खुदा नहीं बदलता ना। तो कहने का ये मतलब है, अगर हम दिन में कहीं निकलते हैं या परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता देखा जाए, तो आज के डेट में मनी ही सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता है। तो एक मनी इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम भी ईश्वर की जो ढाल है और वचन है उसको रख के चलेंगे। लाख विपत्ति आए, प्रॉब्लम आए, ढाल के जैसा उसका जो हमें वचन में कहता है विश्वास की ढाल, उसको हम ढाल जैसा हम परमेश्वर को रखें और हृदय में परमेश्वर को एनी टाइम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, जो भी करेंगे लेकिन अगुवाई पहले प्रभु को बोल के, प्रभु आपकी निरंतर में हो, आपकी आत्मा के द्वारा हो, तो फिर डेफिनेटली हम, मैं कहना चाहता हूँ डेफिनेटली हम विन होंगे। एनी टाइम प्रभु से, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे और प्रभु जब भी आएगा हम सेकंडों में हम प्रभु के साथ ऊपर आकाश में मिलेंगे। जैसे एक बटुआ हम पकड़ते हैं मानी बेग, उसमें अगर मानी नहीं होता है तो हम उसको पकड़ के फायदा नहीं है। तो अगर हमारा हृदय में परमेश्वर रहता है, अगर इसमें हम मानी नहीं है बटुआ में, तो फिर हृदय में परमेश्वर नहीं है तो हम कितनी दिक्कत में पड़ रहे हैं या टेंशन और कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस हृदय में परमेश्वर को हमें रखना है और उसके वचन को रखना है और लाइफ को जीना है। लाइफ को कोई हल्का नहीं जीना है, खुदा के साथ जीना है। आमीन। जय मसीह।